राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का किया विमोचन। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत को मिली एक अलग पहचान। गुरुग्राम में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रमोशनल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आगे आए लोग। राज्यपाल ने यमुनानगर में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर किया सम्मानित। कहा, रेडक्रॉस सोसाइटी समाज के लिए कर रही है अभूतपूर्व कार्य। और किसानों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि देगी प्रदेश सरकार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर आधारित मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों की ओर से सम्मानित किया जाता है तो पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ता है। At the national level, even at the international level also, we are all seeing the reports that a person who has no earlier administrative experience becoming a chief minister, doing a wonderful work, and then becoming a prime minister, and then in the international arena also, he is recognized, he is respected, India also is respected and recognized. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि भारत और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है उसको सभी ने देखा है। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक गरीबी के आंगन से उठकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर है। भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में खिलाड़ियों सहित दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूथ गेम्स 2021 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कल गुरुग्राम में प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम सभी को संदेश देने के लिए है कि इन खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हम सबको आगे आना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि देश में सबसे ज्यादा है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि हरियाणा के खिलाड़ी इन खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। 6 करोड़ रुपए की गोल्ड मेडल की राशि देश में तो कहीं है नहीं, किसी प्रांत में, दुनिया में अलग अलग करेंसी के हिसाब से उनके इनाम है। करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद भी कोई देश इतनी राशि नहीं दे रहा 6 करोड़ के बराबर जितना हरियाणा दे रहा है। खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दी जाए, तो हमने ग्रुप डी में 10% की रिजर्वेशन दी है खिलाड़ियों को, ग्रुप सी में भी 3% रिजर्वेशन दी है। ए और बी मेडल विनर्स जो आएंगे उनको स्पेसिफिक मेडल के लिए स्पेसिफिक नौकरी, ये ए और बी तय कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में 8,500 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे और लाखों की संख्या में दर्शक इन खेलों में शामिल होंगे। उन्होंने खेलों की मेजबानी का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के अभ्यास करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और हमें हरियाणा को खेलों का हब बनाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। 526 करोड़ रुपया हमने जो है पिछले साल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं, 526 करोड़ रुपए। और उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्विमिंग पूल जिसका हम उपयोग करेंगे वो बना है। इसी प्रकार पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय स्तर का जो ये हमारा खेल परिसर बना है, पंचकुला का परिसर प्रदेश भर का सबसे बढ़िया परिसर ये है, इसी कारण से हमने खेलो इंडिया की मेजबानी वहां ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज यमुनानगर में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत करते हुए रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की यूनिट के माध्यम से राज्यपाल ने 40 महिलाओं व पुरुषों को हाइजीन किट वितरित की और यमुनानगर नागरिक अस्पताल को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए। राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को दिव्यांगजनों को सहायता मुहैया करवाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी जो है दिया गया है सिविल हॉस्पिटल के लिए। वैसे ही जो है प्रदेश में 180 जो है हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम भिजवाए। वैसे जो है आज ऑक्सीजन की जो कमी नहीं पड़े। यमुनानगर शाखा में दिव्यांगों का जो भी उनके पैर हाथ ऐसे जो है दिव्यांग बने हुए लोगों को सहायता देने के लिए यही जो है मैन्युफैक्चरिंग करके ऐसे लोगों की सहायता दिया जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि नशा एक बहुत बुरी सामाजिक बुराई है और इसे निजात पाने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों में नशा मुक्ति को लेकर कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को भी स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर निरंतर जागरूक किया जा रहा है। सरकार जो है कानून बनाई, कानून के मुताबिक ऑफिशियल्स काम करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना को लागू करने की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत यदि कोई किसान गौशालाओं के आसपास 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे आपसी सहमति के माध्यम से गौशालाओं को मुहैया करवाता है तो प्रदेश सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। ये राशि किसानों के खातों में DBT के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको पारदर्शी तरीके से क्लेम देने और क्लेम के विवादित पुराने मामलों के समाधान के लिए भी निर्देश दिए। उसके अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा के किसानों के जितने भी पेंडिंग क्लेम हैं उनको वो प्रायोरिटी पर लेकर के सॉर्ट आउट करेंगे। और हमारे विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में जो भी बीमा होगा उसका आंकड़ा जमीन का, फसल का समय पर हम पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे से इंटीग्रेट करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि गाय के गोबर से तैयार की गई खाद प्रोम DAP खाद का विकल्प हो सकती है। प्रोम खाद का निर्माण हिसार, पिंजोर और भिवानी की गौशालाओं में किया जा रहा है। दो गौशालाओं में इसका निर्माण शुरू हो चुका है, पिंजोर में, डोबी हिसार में, बड़वा भिवानी में, 3 गौशालाओं में। और ये इसके टेस्ट रिपोर्ट भी कई जगह से हमने करवा लिए हैं, IIT दिल्ली की मॉनिटरिंग के द्वारा, HAU की माउंटिंग के द्वारा और कई लेबोरेटरी से। और ये स्थापित हो चुका है कि केमिकल जो DAP है उसका सब्स्टिट्यूट ये प्राकृतिक प्रोम जो है गोबर की खाद से, उस फॉस्फोरस से और इससे मिलाकर के जो बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके कारण 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल हुआ। उन्होंने कहा कि हम अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व को गर्व के साथ याद करते हैं जिन्होंने राजनीतिक साहस और शासन कला में उत्कृष्ट कौशल दिखाया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 1998 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर विश्व में अपनी परमाणु शक्ति का परिचय दिया था। उस महान कार्य के पात्र सभी वैज्ञानिकों को मेरा सलाम और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2022 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों को 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें 6 जवानों को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। राष्ट्रपति ने असाधारण कार्य और विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। राष्ट्रपति ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे जम्मू कश्मीर में एक आतंक रोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार अनिल तोमर, हवलदार पिंकू कुमार, हवलदार काशीराय बम नाली, नायब सूबेदार श्रीजीत एम और सिपाही जसवंत रेड्डी को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आधुनिक तकनीकों से शीघ्र जांच कर टीबी के मरीजों को सटीक उपचार देने का एक पायलट प्रोजेक्ट हिसार के स्वास्थ्य विभाग को मिला है। विदेशी संस्था यूएसएड के आईडीडीएस कार्यक्रम के तहत ये प्रोजेक्ट हिसार को मिला है, जिसमें टीबी के मरीजों की हर तरह की जांच मात्र 24 घंटों में हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट 14 मई को हिसार में लॉन्च होगा। प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद इसको देश भर में लागू किया जाएगा, जो टीबी उन्मूलन में कारगर साबित होगा। 2 संस्थाएं 3 और 6 महीने में सर्वे करेंगी। उसके बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अगर रिपोर्ट सकारात्मक आती है तो इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में शुरू किया जाएगा। हिसार के सिविल सर्जन डॉ. रत्ना भारती ने बताया कि 9 महीने तक चलने वाले पायलट प्रोजेक्ट का 2 विदेशी संस्था सर्वे करेंगी, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। टोपी से डायग्नोज करते थे, 2 नॉट, CV नॉट, ये डिपेंड करता था। लेकिन अब जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं 2 महीने के लिए, जो भी नया केस होगा उसका CV नॉट से टेस्ट होगा, जो कि बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। तो इसमें टीबी केसेस हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह से डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, अब हम इनको पूरा अच्छे से इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजेश राजू ने बताया कि प्रोजेक्ट के माध्यम से टीबी का जो टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट 1 दिन में ही मिल जाएगी। इससे पहले ये रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। बलगम की जांच में उसका जो फर्स्ट लाइन LPA और अगर उसमें रेजिस्टेंस आता है तो सेकेंड लाइन LPA भी उसी बलगम की जाँच में हो जाएगा। मतलब मरीज ने एक बार बलगम जमा कराया है, उसके बाद वो घर चला गया, पहले दिन उसकी रिपोर्ट आ गई टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो रेजिस्टेंस है कि नहीं है। एक विजिट में पेशेंट के उसके सारी के सारी जांच हो जाएगी। आम जन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से टीबी मरीजों को फायदा होगा और मरीजों का शीघ्र उपचार शुरू हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ है, उसने हमारे इसार में हॉस्पिटल में टीवी हॉस्पिटल में जो प्रोजेक्ट जारी किया है, उससे मरीजों को बहुत ही फायदा होगा और इससे मरीज बहुत लाभ उठा सकेंगे। यूनिसेफ ने जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो टीवी मरीजों के लिए एक अच्छी बात है। इससे उनको रिपोर्ट टाइम टू टाइम मिल जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल गुरुग्राम में टैक्सपेयर फ्रेंडली मेजर और हरियाणा GST स्क्रूटनी मैनुअल के लॉन्चिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ नियमित तौर पर शिकायतें मिल रही हैं या लंबित हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम द्वारा भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जो 3 दिन के सेमिनार के माध्यम से 4 विभिन्न बैचों में अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 35,000 करोड़ रुपए का GST संग्रहण किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का किया विमोचन। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत को मिली एक अलग पहचान। गुरुग्राम में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रमोशनल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए आगे आए लोग। राज्यपाल ने यमुनानगर में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर किया सम्मानित। कहा, रेडक्रॉस सोसाइटी समाज के लिए कर रही है अभूतपूर्व कार्य। और किसानों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देगी प्रदेश सरकार। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।